Hey everyone, कैसे आप सभी? तो जल्दी से मेकअप की शुरुआत करते हैं। तो मैंने सिर्फ ये ब्लाउज पहना हुआ है ताकि जब भी मेकअप हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैंने अपना जो क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सारी चीज़ें कर ली है और अब मैं लगाऊंगी ये प्राइमर। ये दो फाउंडेशन है, पहले मैं यूज़ करती थी 330 फिट मी का, क्योंकि अभी मेरा स्किन का टोन जो है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब साफ हो गया है, जिसकी वजह से जब भी मैं खाली सिर्फ ये वाला लगाती हूँ तो होता कुछ ऐसा है कि मतलब थोड़े टाइम के बाद और ज़्यादा काला लगने लगता है चेहरा। तो इस वजह से मैं दो शेड्स मिलाऊंगी, एक है 330 और दूसरा 230। इन दोनों को मिला करके मैं अपना शेड बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा जैसे कि स्किन का जो कलर है थोड़ा सा बेटर हो रहा है, थोड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि जाड़े भी आने वाले हैं और मैं कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर रही हूँ जो कि जल्दी आपको मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, जिसका ये देखिए मैंने दो इस तरीके से यहाँ पर ले लिए हैं और इनको ही मैं मिला लूँगी। इतना मैंने लिया है ताकि मैं अपने नेक को भी कवर कर सकूँ। तो इनको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी पहले अच्छी तरीके से दोनों को, और ये मेरा शेड बन जाएगा। पहले वो पूरा मेरा शेड था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रंग साफ होने की वजह से थोड़े टाइम के बाद काला पड़ जाता है वो। ये देखिए मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, ये NYBay का है और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से सोख भी नहीं करता है, जैसे कि और बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट को सोख कर लेते हैं, लेकिन ये वाला NYBay ऐसा नहीं करता है। ये कंसीलर आज आपके साथ इसका शेयर करने वाली हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। ये स्टेकुरिकी का है लिक्विड कंसीलर और नेचुरल लव 5 है। तो मैंने एक बार लगाया था, लेकिन आज आपके सामने लगा करके इसको दिखाती हूँ कि मतलब कैसा है। फाड़ दिया मैंने इसको, क्यूट लगा था, इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी क्यूट लगी थी ना, छोटू सा है ना। खुलने में 10 घंटे लगा रहा है। हाँ, थोड़ा सा बढ़िया वाला मैं मेकअप करने वाली हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी लगा लूँ, क्योंकि आंखें मेरी थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है। हरा कलर मुझ पे खिल रहा है। मैंने NYBay का कॉन्टोर स्टिक मंगाया था, ये देखिए, लेकिन इसमें मुझे मतलब ये उतना पिगमेंट नहीं है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा इससे डार्क चाहिए था, उतना डार्क नहीं आया है। मैंने फ़ोटो में देखा था कि बहुत डार्क लग रहा था, लेकिन ये उतना डार्क नहीं है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं यार, इतना देखिए जैसे कि ये हल्का ऐसा मार रहा है, मतलब ये उतना डार्क नहीं है जितना मुझे लगा था। अभी मुझे दोबारा से कॉन्टोर दूसरा मंगाना पड़ेगा। और ये टूटा भी है, मतलब ये मतलब बहुत जल्दी खुल जाता है, पता नहीं इसका क्या इशू है। इतनी जल्दी से ये अंदर भी देखिए नहीं जा रहा है। मैं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं पसंद है। मैं इसे ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। ये कॉन्टोर कम कलर करेक्टर जैसे ज्यादा ज्यादा लग रहा है। आईब्रोज तो ज़रूर करती हूँ, ज़रूर मतलब ज़रूर 200-300% मैंने करना ही होता है। ये छोटा सा क्यूट सा मेरे पास आईना है जो बहुत ही क्यूट है, तो मैं आईब्रोज कर लेती हूँ जल्दी से। ये
मेरी आईब्रोज हो गई फाइनली। आईब्रोज देखिए, एक तो ये हुडा वाला है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, उसमें से एक मेरा फेवरेट कलर है। तो आज मेरा जो आउटफिट है वो है ग्रीन एंड पिंक। तो मैं सोच रही हूँ हैवी आई मेकअप करूँ या लाइट करूँ, सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें एक ग्रीन डार्क कलर का है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ यार, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। और गोल्डन है चो 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 चो, क्या करती हूँ मैं, तो ब्रश नहीं मिलते हैं जल्दी से मुझे ब्रशेस, ये देखिए मिल गया फाइनली। तो पहले मैं हुडा से जो है ना अपना एक ये वाला सोच रही हूँ कलर से ना पहले एक बेस तैयार करूँ अच्छा सा, जो मेरा फेवरेट ये कलर है। मैं सामने आईना लगाया तो वो देख रही हूँ, लेकिन मैं अपना छोटू आईना ले लेती हूँ। कहाँ गया मेरा, वेयर इज माय छोटू आईना यार, सब गायब हो जाता है। अब मैं इससे ही थोड़ा सा ग्रीन वाला ये जो कलर है यू कैन सी, मैं थोड़ा सा ये ले लूँगी। और साइड में लगाऊंगी इसको। ये हुडा से लूँगी ये वाला शेड, अरे टूट गया ये, तो इसको लेकर मैं बीच में लगाऊंगी, मतलब बहुत ही लाइट मुझे रखना है। लाइट करते करते कभी कभी मेरा डार्क हो जाता है ये आंखें, मतलब इंस्टेंट कितना प्यारा लगने लगता है। वाओ बराबर ही है, लेकिन ये बहुत इंस्टेंट इसको बड़ा कर देता है। ये जो ब्राउनी वाला है वो ज़्यादा सूट करता है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं क्यों ना ब्राउन ही लगाऊं, बिकॉज सूट करता है ना, पिंक ना नहीं सूट करता है, क्योंकि आई थिंक वो बहुत फेयर स्किन वालों के लिए होता है, गोरे जो होते हैं, तो मैं बहुत गोरी नहीं हूँ। ये स्विस ब्यूटी का वन ऑफ माई फेवरेट, मैं फिर से इसको लेने वाली हूँ, मंगाने वाली हूँ, इतना छोटू हो गया है। ये वाला लगाऊंगी, ये फेसेस कनाडा का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। आउटफिट चेंज करके सो गाइज आई एम बैक। ये देखिए अभी मुझे ना इसकी प्लेट्स बनानी है, एंड मुझे बहुत अच्छी प्लेट्स नहीं आती है बनाना, लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ कैसे बनाते हैं। पहले आई थिंक इसको मैं सोच रही हूँ इतना इस जगह पर इसको पिन अप कर लूँ, इतनी तो ऐसे पिन पड़ी रहती थी लेकिन आज पिन्स नहीं मिले। सो गाइज जैसे तैसे करके साड़ी तो पहन ही ली है, देख लीजिए। अभी मुझे अपना इयररिंग्स वगैरह पहनना है, तो मेरे पास एयरिंग में दो ऑप्शंस है, आई हैव दिस लाइक जिसमें हाथी बना हुआ ये पहनूं, और एक और भी है एंड दिस इज छोटू वन, मतलब ये बहुत भारी नहीं है लेकिन लटकने वाले नहीं है ऐसे, तो दोनों साइड मैं पहन कर देखती हूँ कि कौन सा बेटर लग रहा है, विच वन इज लुकिंग बेटर। और इतने भारी मुझे पहनने का मतलब, विच वन इज लुकिंग बेटर, दिस वन एंड दिस वन,
दोनों ही बेटर लग रहे, कोई होता तो मैं 10-20 कर लेती हूँ, 10-20, 30-40-50-60-70-80-90-100, इस पर 100 आ रहा तो ये पहन के कुछ वीडियोज़ बनाती हूँ, फिर ये भी पहन लूँगी ऐसा मैंने लगाई है। देखिए मुझे अप्लाई करना चाहिए, नहीं देखती हूँ मैं, प्यारा तो लग रहा है। Yeah, this is looking nice. So this is my final. This is my final look, guys. This is my final look. Look, look, look. काश मुझे कहीं जाने मिलता है पहनकर, मैं कहीं जा पाती, बट नो वरी। सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइज, अच्छी लग रही हूँ, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो थोड़ी अच्छी लग रही हूँ, थोड़ी सी बेटर, आई फील मुझे अच्छा लग रहा है। वाओ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।